हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 1 रुपए 70 पैसे की तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा, जहां से इस स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। पीछे के 1 सप्ताह में इस स्टॉक में 4% से भी ऊपर की रैली देखने को मिल रही है। 1 महीने में इस स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। 3 महीने में इस स्टॉक में 25% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार देखने तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो आपको क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक का एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 94 रुपए। 94 रुपए इस स्टॉक में इस पॉइंट पर एक हाई बना और ऊपरी लेवल पर देखें तो इस स्टॉक में 2 बार स्टॉक सेम प्राइस पर पहुंचने के बाद ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जहां पर इस स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहेगा। अब इस स्टॉक का नीचे का देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहेगा, जहां से इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा 47 रुपए 10 पैसे। 47 रुपए 10 पैसे इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां से इस स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 47 रुपए की एक बड़ी स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 91 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 55 रुपीज के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 63 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।